चलो आज हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि उसका बड़ा यूज होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में उसका बड़ा यूज होता है, तो यूज वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो यूज वाला टॉपिक क्या है, देखो यूज वाला टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड क्या होता है, समझते हो आप लोग? कंस्ट्रेंड लिमिट, क्या चीज? लिमिट, लिमिट लिमिट समझते हो, दायरा, सीमा। लिमिट जैसे आप के घर पे, कुछ लोगों के घर पे इसमें होगा कि भैया ऐसा है कि 7 बजे के बाद आपको बाहर नहीं जाना, या 8 बजे के बाद आपको बाहर नहीं जाना। नहीं जाना है। नहीं जाना है तो वो क्या हो गया आपके लिए? लिमिट लिमिट कंस्ट्रेंट हो गया, लिमिट हो गई कि भैया आपकी लिमिट सिर्फ कहाँ तक है, 8 बजे रात नहीं तक है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। नहीं ठीक है ना, यस सर, क्लियर है? यस सर, जैसे आपकी आपकी एक लिमिट बना दी जाती है कि देख यार तू इतनी ही बात कर भैया लोगों से या पापा लोगों से, इससे ज्यादा क्रॉस करेगा तो कहते हैं लिमिट क्रॉस मत कर, अपनी लिमिट में रह। कहते यस सर, हैं कि नहीं कहते हैं? यस यस, सर, कंस्ट्रेंड हो जाता है वो आप। ठीक है, तो ऐसे ही यस बहुत सारी चीजों में कंस्ट्रेंड है। जैसे जैसे हमारा हैंड है, ये देखो हाथ है ना, ये यस हम इसे सर, यहां तक मोड़ सकते हैं ऐसे, और फिर ऐसे कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं ले जा सकते क्या? सर सही नहीं ले जा सकते। किसी किसी का चला जाता है, तो भैया एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जी किसी किसी का थोड़ा ऐसे हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली क्या है, तो नहीं होता है। इस हैंड का ये जो पार्ट है एल्बो, यहां तक गया फिर वापस, फिर गया फिर वापस, तो ये क्या है, इसका लिमिट कंस्ट्रेंड कंस्ट्रेंड है ये, कि इसके बाद ये नहीं जा सकता, इसकी लिमिट है, यहीं तक जाएगा। यस सर, मुंडी आपकी ऐसे यहां तक घूम, कभी ऐसे घुमा के पीछे कर लेता है क्या? कंस्ट्रेंड कंस्ट्रेंड मोशन है ये, क्या है ये? कंस्ट्रेंड, इनकी सबकी लिमिट है ये। तो ऐसे ही आपको यहाँ कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो कैसे, सपोज करो एक ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन मान लो हम, ट्रेन की कई सारी बोगीज होती हैं। अगर हम कहें आपसे कि ये ट्रेन का इंजन है, ये क्या है, ये इंजन, और ये ट्रेन इंजन की मान लो बोगी है, यस डिब्बा ना, सर, ये ट्रेन का डिब्बा है, और ये जो है ये कपलिंग है। देखते हो कपलिंग आप लोग, ट्रेन से गुजर, ट्रेन से गए हो ना कभी या नहीं गए हो? अगर ट्रेन से सर जाओ तो देखो, एक इंजन को बोगी से जोड़ने वाला एक ऐसा ऐसा एक फलक्रम होता है, ऐसा ऐसा गदर, गदर मूवी में वही सनी देओल ने निकाल दिया था। ठीक अच्छा है, तो उसे क्या कहते हैं हम जी लोग? कपलिंग कपलिंग कहते हैं। ऐसे लगा होता ट्रैक्टर में, जैसे ट्रॉली जुड़ी होती है ना, ट्रैक्टर और ट्रॉली देखे हो आप लोग? यस सर, तो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में जो ट्रॉली जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ दिया ट्रॉली को, और उसके ऊपर एक हुक लगा देते हैं, ऐसे पिन सा जो लगा देते हैं उसको, यही, यस सर ताकि ट्रॉली खींचे ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंजन मान लो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, किस वेलोसिटी से, तो वी पिछले वाले बोगी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्यों? कि वही रहती है, चेंज हो जाती वही रहती है भाई। है बस सर, में आप बैठे हो, ड्राइवर, ड्राइवर जिस वेलोसिटी से चलता है, बस जिस वेलोसिटी चलती है, क्या ड्राइवर भी उसी वेलोसिटी चलता है? यस सर, क्या बस में बैठा हुआ इंसान भी उसी वेलोसिटी चलता है? पीछे यस सर, वाला इंसान की वेलोसिटी क्या अलग हो जाती है क्या?
अच्छा उस बस से किसी और चीज को जोड़ दो, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्या? नो सर। चलो अच्छा हम और एग्जांपल लेते हैं, एक बाइक है जिसका पेट्रोल खत्म हो गया है, दूसरा बाइक वाला आता है आपका दोस्त, उससे कहता तो यार मेरी बाइक ले चला के, तो क्या करता है? या तो वो पैर से ऐसे धक्का लेके आगे जाता है, या तो फिर क्या करता है कि रस्सी से बांध के आगे पीछे रस्सी से बांध के खींच के ले जाता है। देखा है आपने? यस सर। बाइक जो आगे आपका दोस्त बाइक चला रहा होता है, उसकी बाइक की जो स्पीड होती है क्या वही आपकी स्पीड होती है या फिर अलग होती है? वही होती है सर। नहीं समझ में आई? जैसे जिस बाइक में ना, जिस बाइक में वो नहीं है क्या पेट्रोल, मान लो इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें है, और ये जो है इसको रस्सी से बांध के भी वेलोसिटी से ये खींच रहा है इसको, तो अगर ये भी वेलोसिटी से, रस्सी से बंधी हुई ये बाइक भी वेलोसिटी से जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। जाएगी ना? यस सर। रस्सी से बंधी हुई ये बाइक भी वेलोसिटी से जाएगी। अगर बच्चे ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझना, अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा ये बताओ ये रस्सी की क्या वेलोसिटी होगी? वी। इसकी भी वेलोसिटी वी होगी, और इसकी भी, इसकी ही नहीं, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी। अगर वी वेलोसिटी नहीं होगी तो जानते हो क्या होगा? वो रुक जाएगी, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन। उसी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी आने का क्या मतलब होता है पता? एक रुक गया दूसरा चल रहा है वी वेलोसिटी से। यस सर। एक रुक गया और दूसरा, एक रुक गया और अच्छा अपने आप को रोको और इसको चला दो तो आपको क्या होगा? झटका लगेगा ही नहीं बहुत तेजी से? यस सर। ध्यान से समझो अगर आप, तो अगर रस्सी लूज होती है, दोनों बाइक को आपने बांध दिया और रस्सी लूज होती है और आगे वाली बाइक चल रही होती है, तो पहले रस्सी टाइट होती है और जैसे रस्सी टाइट होती है पिछला वाला ऐसे करके गिरता है पीछे की। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो आराम से चलते जाते हैं कि नहीं बताओ? यस। तो क्या नहीं होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा तो क्या टूट जाएगा? दोनों के बीच जो संबंध है वो टूट जाएंगे, रस्सी टूट जाएगी। क्या टूट जाएगी? रस्सी। अब जो सोचो, अगर सोच के देखो, थोड़ा सोचना, एनालिसिस करना, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि यही टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है? Yes, sir. सोच के देखो कि आपने इसको बांध दिया, ये है, आपने इसको रस्सी से बांध दिया, रस्सी टाइट, मान लो रस्सी के ये इस पॉइंट की वेलोसिटी ए है, सॉरी ए पॉइंट की वेलोसिटी वी है, और बी पॉइंट की वेलोसिटी से सपोज करो वी डैश हो गई, क्या हो गई? वी डैश। वी डैश हो गई, ठीक है? तो अब एक ही, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो वी है, सपोज तो ये वी है तो ये भी वी हो जाएगा, ये ए पॉइंट की वेलोसिटी मान लो हमने मान लिया वी है, और बी की वी डैश मान लिया, क्या मान लिया? वी डैश। अगर वी वी डैश से बड़ा है, सपोज मैंने मान लिया, हालांकि होता ये नहीं है, अगर मान लो वी वी डैश से बड़ा है तो क्या होगा? कि वी वी डैश से अगर बड़ा होगा तो अगर आप बी पे बैठ जाओ और ए को देखो तो ए की क्या वेलोसिटी हो जाएगी बताओ? velocity of a with respect to b क्या हो जाएगा? velocity of a minus velocity of b। तो velocity of a कितना है? v। और velocity of b कितना है? v dash। अगर v v dash से बड़ा है तो क्या यहाँ एक velocity of a with respect to b मतलब relative velocity आई कि नहीं आई? yes sir। कहने का मतलब है ये b रुका हुआ है और a किस velocity से चल रहा है भाई? v minus v। किस velocity से चल रहा है? इसके ऊपर क्या लगेगा? झटका। झटका उसको कहते हैं इंपल्स। yes, क्या लगेगा उसके ऊपर? झटका। बहुत तेजी से लगेगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा, बहुत तेजी से इसके ऊपर झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। नहीं आया समझ सर? आ गया क्लियर है ना? yes. तो कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम में कोई रस्सी बंधी हुई है तो उस रस्सी के हर पार्टिकल हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम सेम होगी।
कहने का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, नहीं इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। क्या नहीं होती है? रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी तो ये टूट जाएंगे। बस के अगर हर पार्ट की अपनी अलग अलग वेलोसिटी हो जाए तो क्या बस साथ चलेगी? नो सर। पता चला आप पीछे वाली सीट पे बैठे हो और आप बैठे हैं बस आगे निकल गए। कभी कभी आपने देखा होगा बाइक का पिक्चरों में देखा होगा कि वो बैठा हुआ है और बाइक लेके चल दिया, कैरियर पे बैठा हुआ है, कैरियर में ही खड़ा है जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम आज सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई दो बॉडी किसी रस्सी से बंधी हुई है, किसी रस्सी से बंधी हुई है, उस रस्सी की जो वेलोसिटी, उस रस्सी के हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी या उस रस्सी के हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम सेम होगा और डायरेक्शन भी उसका वही होगा। yes, मतलब मैग्नीट्यूड yes, भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो या रिलेटिव मोशन क्या हो? जीरो। सेम जीरो जीरो क्या हो? जीरो। अब यही अगर वी ए बी जीरो हो जाता, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाता, तो क्या वी वी डैश के बराबर होता कि नहीं होता? यस सर। क्या अगर वी वी डैश के बराबर होता तो क्या वी ए बी जीरो होता कि नहीं होता? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अब आ जाओ टॉपिक। तो कहने का मतलब हम लोग पढ़ रहे कॉन्स्टेंट, तो ये इनका कॉन्स्टेंट है। क्या है इनका कॉन्स्टेंट है? मतलब कि अगर एक पॉइंट जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा वही उसी वेलोसिटी से किसी स्ट्रिंग का या किसी स्ट्रिंग का एक पॉइंट अगर जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उस स्ट्रिंग का सेम स्ट्रिंग का दूसरा भी पॉइंट उसी वेलोसिटी से चलेगा। क्लियर है? क्यों ऐसा होगा समझ में आया? क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस सर। लिख लो इस बात। अब आ जाओ इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। एक कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं स्ट्रिंग का। किसका पढ़ते हैं हम लोग? स्ट्रिंग धागा, धागा रस्सी का। किसका? रस्सी का। कंस्ट्रेंट मोशन इन रस्सी। दूसरा पढ़ते हैं वेज का। वेज का, वेज समझते हो? वेज डब्ल्यू ई डी जी होता है सर, वेज। ऐसा स्लांट इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा प्लेन। आपने ऐसा प्लेन देखा है कहीं? ऐसी चीजें देखी है कहीं आपने? ऐसा लकड़ी सा, लकड़ी का होता है ये, लकड़ी का बना लो पत्थर, लकड़ी का जनरली लकड़ी का होता है ये वेज। जानते हो ये क्या होता है? इसको आम भाषा में ना हम लोग खपचारी भी कहते हैं। जैसे कहीं कहीं ना किसी चीज को आपको उठाना हो, क्या करना हो? उठाना हो। जैसे मान लो भारी चीज है, आपको उसको उठाना है एक तरफ से, तो आप ऐसे हाथ लगा के उठा रहे हो तो वो उठ नहीं रहा है। तो क्या करो कि आप एक ऐसा चीज बना के ले आओ, ऐसा लकड़ी सा, ऐसा। ये वाला पॉइंट उस पॉइंट में आसानी से घुस जाएगा कि नहीं, ये वाला बताओ? यस सर। इमेजिन करो, मैं यहां से बता नहीं सकता क्योंकि दिखा नहीं सकता आपको, मैं जो है अगर आप सामने बैठे तो मैं दिखाता आप। ये वाला पॉइंट उसमें आसानी से उसके नीचे चला जाएगा कि नहीं बताओ? ये वाला। यस सर। अब क्या करो, इधर से उसको ठोकना शुरू करो जी, ऐसे ऐसे ठोकना शुरू करो। क्या होगा भाई? इसके अंदर घुसेगा और चीज ऊपर, धीरे 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 वो ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता जाएगा और वो धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ता जाएगा। चढ़ेगा तो वो उठेगा कि नहीं उठेगा बताओ? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और धीरे 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 उसको हम यहाँ इस हाइट तक उठा सकते हैं। ये है वेज। ये क्या है? वेज। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक स्ट्रिंग में पढ़ेंगे कंस्टेंट मोशन और दूसरा वेज में। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन लिख लो। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ठीक है, वेज। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे और इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे, मतलब वेज। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग। लिखो स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग धागा। क्या खास बात है इसमें, क्या हम लोग एजम्पशंस लेते हैं? एजम्पशंस हमारा अभी है जो हम एजम्पशंस लेंगे इसमें स्ट्रिंग के लिए, वो एजम्पशंस हमारा होगा, पहला एजम्पशन होगा, फर्स्ट एजम्पशन कि भैया जो स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग मासलेस होगी, मतलब उसका मास नहीं होगा। हम लोग अभी जो स्ट्रिंग की बात करेंगे वो मास होगा या मासलेस होगा? मासलेस होगा। मास आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो जब आएगा तो हम बता देंगे भैया मास आ गया इसमें। अभी फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मासलेस। तो हमारा जो एजम्पशंस है, हम जो मान रहे हैं, हम जो एज्यूम कर रहे हैं, हम जो लेट कर रहे हैं, हम जो माना कर रहे हैं, वो है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। कैसा है स्ट्रिंग? मासलेस। द्रव्यमान रहित या द्रव्यमान विहीन? द्रव्यमान विहीन जी। द्रव्यमान विहीन है, ठीक है, मासलेस। दूसरा, हम लोग मानते हैं कि स्ट्रिंग जो है ना वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो खींचेगी नहीं। खींचेगी नहीं, बिल्कुल, खिंचाव रहित है या खिंचाव सहित है। जो खींच ना सके, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब खिंचाव, जिसे हम खींच ना सके, जिसे हम के कहने का मतलब है जैसे रबर है, एक्सटेंसिबल होता है या इनएक्सटेंसिबल? एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल कहने का मतलब है कि अगर मान ले ये रबर है बच्चे और हम रबर को खींच रहे हैं, मान ले ये रबर इनिशियल पोजीशन पे अपने में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी मान लो डी है, ये अगर मान लो रबर है, क्या है ये? रबर। रबर, तो इन दो पॉइंट के बीच की दूरी इनिशियल में अगर डी है और हमें उस पर फोर्स लगा के अगर खींच रहे हैं, तो क्या इन दोनों पॉइंट की दूरी बदल जाएगी या वही रहेगी? बदल जाएगी। वो पॉइंट ए ए डैश और बी बी डैश हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी? डी डैश हो जाएगी। तो रबर अगर है तो एक्सटेंसिबल है कि इनएक्सटेंसिबल? एक्सटेंसिबल। कहने का मतलब है कि जो कोई भी अगर स्ट्रिंग होगी वो इन जो कोई भी स्ट्रिंग हम एज्यूम कर रहे हैं वो स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है। कहने का मतलब है दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम। पहला पॉइंट लिख लो एजम्पशंस में कि मासलेस होना चाहिए, दूसरा पॉइंट लिख लो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, खिंचाव रहित होना चाहिए, खिंचाव से मुक्त होना चाहिए, ठीक है? यस सर, ठीक है। अब इसमें लिख लो कि इनएक्सटेंसिबल मतलब खिंचाव रहित, कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी तनाव में, तनाव से पहले जो होगी वही तनाव के बाद होगी। दो पॉइंट के बीच की दूरी जो तनाव से पहले है वही तनाव के बाद। अब जब दूरी चेंज नहीं हो रही है, जब दूरी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या दोनों पॉइंट के बीच की जो वेलोसिटी होगी या दोनों पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी या डिफरेंट होगी? सेम। सेम रहेगी। yes, आया समझ में कि नहीं आया? yes, भाई अगर दो वेलोसिटी अलग अलग होंगी, दो पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होंगी, तो कभी ना कभी उनके बीच की दूरी चेंज तो होगी ना? yes, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ बना लेना, कि दो पॉइंट के बीच की दूरी, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी खींचने के बाद भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, डी रहेगी। दूसरा, वेलोसिटी, क्या चीज? वेलोसिटी दो पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा
अपोजिट हमेशा along the string होगा velocity का direction हमेशा along the string होगा और दो point की velocity हमेशा क्या रहेगी same velocity का direction किधर होगा भाई along the string. Along the string. Along the string. Underline कर लेना इसको. The direction of velocity must be along the string and magnitude of velocity of any two point must be same. दो पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा. जैसे देखो हमने दे दिया मान लो ये स्ट्रिंग है, सपोज कर बच्चे ये स्ट्रिंग है इस पॉइंट ए की वेलोसिटी हमने दे दी मान लो ये सपोज करो वी वन किसी एंगल सपोज करो मान लो अल्फा वन पे कितने पे अल्फा वन पे और दूसरा पॉइंट है मान लो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी वी बी हो गई और ये एंगल मान लो कितना है अल्फा टू है कितना है अल्फा टू. तो बच्चे देख ये अगर स्ट्रिंग है आपकी तो क्या ये लाइन अलोंग द स्ट्रिंग हो गई डायरेक्शन यस सर. तो देख इसमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी वन का अगर हम देखें तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वी वन कॉस अल्फा होगा कि नहीं बताओ यस सर. और इधर क्या हो जाएगा वी वन साइन अल्फा और अगर v2 को देखें ये v2 है आपका अगर हम v2 को देखें तो v2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई v2 cos अल्फा 2 और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 sin अल्फा. क्लियर है बच्चे यस सर. a और b पॉइंट की जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग है वो क्या है a पॉइंट की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या है जो B पॉइंट की है A पॉइंट की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या है सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग क्या V1 cos alpha 1 है यस सर. और B पॉइंट की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या है क्या V2 cos alpha है cos alpha 2 है यस सर. तो क्या अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए मैंने समझाया क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा यस सर. और रिलेटिव वेलोसिटी होने का मतलब क्या स्ट्रिंग टूट जाएगी यस सर. क्लियर है यस सर यस सर. ठीक है तो क्या v1 मतलब a पॉइंट की जो वेलोसिटी है अलोंग द स्ट्रिंग क्या b पॉइंट की भी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यस सर. v1 cos alpha 1 is equal to v2 cos alpha 2 होना चाहिए कि नहीं बच्चे बता यस सर. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन दिस इज व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन कि अलोंग द स्ट्रिंग velocity must be same at every point. Clear है? अच्छा जब velocity same होगा तो क्या string के along acceleration भी same होना चाहिए? Yes. लिख लो इस बात को कि along the string acceleration will also be same. लिख लो. Along the string के along दो पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. दो पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी सेम होना चाहिए किसी दो पॉइंट का ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर दो पॉइंट है किसी दो पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए बच्चे वेलोसिटी भी और डिस्टेंस भी सेम ठीक है ना यस सर. चेंज होना नहीं चाहिए. क्लियर है यस सर. बात समझ में आई यस सर. तो छोटे छोटे प्रॉब्लम शुरू करते हैं यही दो चीजें हैं जिसपे हम प्रॉब्लम बनाएंगे ठीक यस सर. और पूछे जाने वाले प्रॉब्लम भी बनाएंगे हम आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी में वो भी बनवाएंगे हम आपसे. देखिए आइए छोटे छोटे पॉइंट्स पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा यार हो जाएगा हमसे. देखो जैसे सपोज कर बच्चे
जैसे सपोज कर कि ये है, मान ले एक ट्रेन जा रही है, क्या जा रही है बच्चे? ट्रेन। उसमें हम ना इंजन है, ये इंजन है और ये एक होगी डिब्बा है, डिब्बा ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया किससे? कपलिंग से। कपलिंग कपलिंग मान लो ये कपलिंग है, ठीक है ओके। इंजन मान लो इधर जा रहा है 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड इंजन, ठीक है? यस सर। इंजन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है इंजन का, क्या वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा? यस सर। अच्छा यहाँ वाला पार्ट? यस सर। अच्छा ये रस्सी का, ये जो है कपलिंग है, कपलिंग का ये वाला पार्ट 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला 10 मीटर, ये अच्छा ये वाला पार्ट अलग जा रहा होगा? नहीं, कितने से जा रहा होगा? 10 मीटर से। तो ये किससे कनेक्ट है भाई? डिब्बा से। तो डिब्बा किस वेलोसिटी से जा रहा होगा बताओ? 10 मीटर। क्या दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई ना पक्का? यस सर। दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. पहला ये उतार लो, पहला क्वेश्चन लिख लो, इफ द वेलोसिटी ऑफ इंजन इज 10 मीटर पर सेकंड तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिब्बा? हो गया पहला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, डिब्बे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? 10 मीटर पर सेकंड होगी ना? यस सर। आपने ये बना लिया, तो दूसरा देखते हैं। ये तो अच्छा था ना, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, अब देखो थोड़ा सा अच्छा करते हैं प्रॉब्लम। मान लो ये है ऐसे, एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक है, इसको हमने किसी रस्सी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इस रस्सी को हम किसी दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। चलो इस रस्सी को हम किसी दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। ये ब्लॉक मान लो ए है और ये वाला ब्लॉक कितना है? बी है, ठीक है बच्चे। ये वाला जो ब्लॉक ए है ना, ए ब्लॉक इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो बी वाला ब्लॉक है, बी वाले ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है? ये स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। इस बी वाले ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वो स्ट्रिंग इसके वर्टिकल से 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे है? 37, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे क्या, कि ये जो बी वाला ब्लॉक है ना, उसकी वेलोसिटी बता, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी? तो सेम ही होगी इससे, बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी, ठीक है, बी वाले ब्लॉक की क्या बताता हूं? वेलोसिटी। अगर बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी होगी सेम, जैसा कि किसने बोला अभी सेम? दिव्यांश। हां दिव्यांशु जी, पक्का तेरा नाम दिव्यांशु ही है ना? बता। यस सर जी। नहीं बेटे, सेम नहीं हो। अगर सेम हो, वेलोसिटी सेम होने का क्या मतलब? ये वाला तो फिर इधर डायरेक्शन में जाने लगेगा ना? यस सर। अरे जी आया सर जी। ये बता इस ए ब्लॉक की, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं पूछता है आईआईटी। ये दे दिया आपको, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, मान लीजिए इस बात को, और कहो तो मैं अभी बता दूं आपको कि किस सन में पूछा था ये।
चौको मत, सब क्वेश्चन है ठीक। देखो ए जिस वेलोसिटी से जा रहा है क्या उसी वेलोसिटी से ए का ए वाला एंड भी जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ पहले। यस जाएगा कि नहीं बोलो, अगर मैं गलत करा तो बताना। क्या ये वाला एंड भी ए का ए वाला एंड भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये रस्सी का ये वाला पार्ट उसी से 10 मीटर पर सेकंड, भाई ये वाला एंड 10 मीटर से जाएगा तो क्या ये वाला भी एंड 10 मीटर से जाएगा? यस सर। अच्छा ये वाला बताओ, ये भी सर 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चेंज हो जाएगा। ये वाला रस्सी का ये वाला, मैं बॉक्स का ये वाला नहीं कर रहा हूँ, रस्सी का ये वाला 10 मीटर पर से किधर डायरेक्शन में? इधर डायरेक्शन, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कितना होगा ये 10 मीटर? 10 मीटर पर सेकेंड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पार्ट रस्सी का कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो रस्सी का ये वाला पार्ट हमेशा कितना रहना चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? रिलेटिव रिलेटिव मोशन होगा रस्सी। यस सर। रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट जाएगी। अच्छा ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स किधर जा रहा है? क्या इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जाएगा? इस तरफ, इधर अपवर्ड। अपवर्ड जाएगा? यस सर। अरे आगे आगे जाएगा सर, ये आगे की तरफ जाएगा ना? Yes, sir. आगे की तरफ किस वेलोसिटी जाएगा हमें नहीं पता, तो जो हमको नहीं पता उसको हम मान लेते हैं। तो मान लिया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? V। किधर की तरफ? V। आगे की तरफ वेलोसिटी इसकी V है, कितनी वेलोसिटी है? V। किधर की तरफ? आगे की तरफ। तो अगर इसकी वेलोसिटी भी है, हमने मान लिया, जिसका हमें नहीं पता उसको हम मान लेंगे, तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी भी है, तो क्या ये वी इस, ये वी इस बी की एक्चुअल वेलोसिटी होगी? हाँ yes, ये वी इस बी की क्या होगी? एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? एक्चुअल। तो एक्चुअल वेलोसिटी वी की क्या हो गई? बी की क्या हो गई? वी हो गई। क्या हो गई? वी हो गई। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में V से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो, और रस्सी इस डायरेक्शन में किससे जा रही है भाई? देखो ध्यान से, अगर रस्सी का हम लोग देखें तो रस्सी इस डायरेक्शन में किससे जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड। रस्सी इस डायरेक्शन में किससे जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है कि नहीं जा रही है बताओ? यस सर। और ये एंगल कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे। यस सर। नहीं बताओ, तो क्या ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, ये एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी, तो ब्लॉक का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? रस्सी की डायरेक्शन के बराबर, रस्सी की वेलोसिटी के बराबर? यस सर। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का रस्सी की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ब्लॉक का रस्सी की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, कोई बता सकता है क्या? हाँ कितनी होगी भाई? ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। तो वी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या वी कॉस 53 हो जाएगा? यस सर। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या वी साइन 53 हो जाएगा? Yes, sir. फिर से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो बॉक्स बी की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? क्लियर? यस सर। इसकी वी वेलोसिटी है तो रस्सी की वेलोसिटी 10 करने के लिए इसे उस डायरेक्शन में कितना होना पड़ेगा कि रस्सी की वेलोसिटी 10 ही रहे, क्योंकि रस्सी टूटने वाली नहीं। नहीं आया समझ भैया? ये बॉक्स इस बॉक्स का ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस सर। फिर से समझना इस बात को, क्या बॉक्स का ये वाला पॉइंट, फिर से मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, इस बात को समझो, अगर समझ लिए तो काम खत्म है, नहीं तो फिर काम यहीं से पढ़ना शुरू हो जाएगा। इस डायरेक्शन में बॉक्स का ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट आपका बॉक्स का ईस्ट डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाना चाहिए भैया? 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस सर. एक्चुअल में बॉक्स का क्या वेलोसिटी माना है आपने? वी. तो वी का ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? वी कॉस 50 डिग्री. 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर. अगर ये वाला एंगल थीटा है तो v का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा? यस सर. और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर. नहीं आया समझ में? आया सर. क्लियर है? यस सर. अब देख, अगर ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो गया तो v cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड. रस्सी के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए या रस्सी की स्पीड के बराबर होना चाहिए उस डायरेक्शन? यस सर. नहीं आया समझ में? आया सर. पक्का? यस सर. तो देख, अब इस डायरेक्शन में v cos 53 हो गया किसका? इस बॉक्स का. मतलब इस बॉक्स का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया v cos 53, और कितने के बराबर होना चाहिए भाई? 10 मीटर पर. तो बताओ v cos 53 किसके बराबर? 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर. तो वी किसके बराबर बताओ? 10 अपॉन cos 53. 10 अपॉन cos 53. 10 अपॉन cos 53 मतलब कितना हो गया? 10 अपॉन cos 53 का 3/5 होता है. यस. अरे याद आ रहा है? नहीं आ रहा है सर. आ रहा है. क्या ये वेलोसिटी हो जाएगी 50/3? यस सर. सम नहीं आया सुन? आया सर. क्या हमने इसमें सिखाया आपको? एक मिनट. क्या हमने सिखाया आपको इसमें? हमने ये सिखाया कि जिसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता उसको हम मान लेंगे. वी मानते हैं. क्या मान लेंगे? जिसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता उसको हम मान लेंगे, और उसकी वेलोसिटी को हम लोग रस्सी के अलोंग तोड़ देंगे और रस्सी के पर. तो जो उसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग होगी वही रस्सी की वेलोसिटी हो जाएगी. मतलब जो उसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग होगी वही रस्सी की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. Yes, क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए. अब इस पॉइंट के बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी करा दोगे बच्चे, तो देखो क्या होगा. इस पॉइंट के बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी करा दोगे तो ये रस्सी इसको छीन के ले जाएगी. ले जाएगी कि नहीं बताओ उस पॉइंट से? यस सर. नहीं आया? आया सर. पक्का ना? यस. तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बूझनी चाहिए, क्या? कि हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो बॉडी है उस बॉडी की जो वेलोसिटी हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे, वो उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी? एक्चुअल वेलोसिटी होगी. उस एक्चुअल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो रस्सी के अलोंग होगा वो हमेशा रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए. नहीं आया समझ में? लिख लो इस बात. ठीक है, हम लोग किसको एज्यूम करेंगे? जो बॉक्स या बॉडी है उस बॉडी की वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेंगे. उस बॉडी की वेलोसिटी रस्सी के अलोंग जो होगी, उस बॉडी की वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के जो अलोंग होगा वो रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होगा. रस्सी के वेलोसिटी के बराबर. ठीक है? यस सर. यस सर. हो गया. अब आप बता सकते हो कि v कितना आया? 50/3. अब इस 50/3 को तोड़ के देख. अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा इस 50/3, ये 50/3 है कि नहीं है बताओ? यस सर. यस है ना? है कि नहीं बताओ? है. अच्छा, इस 50/3 को तोड़ के देखो. इस 50/3 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो तो, अगर मान लो ये एंगल 53 डिग्री है, तो इस 50/3 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50/3 cos 53 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर. और ये वाला 50/3 sin 53 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर. और 50/3 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? cos 53 3/5 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर. 10/50. तो क्या इसकी वैल्यू 10 आई कि नहीं आई बताओ? यस सर. 10 मीटर सर. और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? रस्सी की डायरेक्शन.
इसकी डायरेक्शन है रस्सी की, नहीं आया, आया सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा ये वेलोसिटी जो है ये इसी समय पर्टिकुलर टाइम पे है या अलग अलग टाइम पे है? अलग अलग टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे है। यस सर, अलग टाइम पे नहीं बच्चे। अब मान लो कि ये अभी t इक्वल टू जीरो पे ये पोजीशन है, तो क्या t इक्वल टू 0.01 सेकंड पे क्या यही पोजीशन होगी या पोजीशन चेंज हो जाएगी? तो वही रहेगी। अरे पगला, चेंज हो जाएगी। देखो ये बना लिया। Yes, sir. बड़ा कंफ्यूजन है। देखो दिखाता हूँ मैं। अब देख, मैंने यही बनाया था, ये बनाया मैंने, मैंने यही बनाया था। बच्चे देख, सब सिखा देता हूँ मैं आपको, चिंता मत कर। और बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। yes, sir. ये वाला एंगल कितना था, क्या 37 डिग्री था? yes, sir. बी का और ये ए है, ठीक है बच्चे? yes, sir. अब बता कि t इज इक्वल टू जीरो पे ये रस्सी का एंगल कितना है, 37 डिग्री है? yes, sir. टाइम बढ़ेगा तो क्या रस्सी ये रस्सी खींचेगी कि नहीं खींचेगी? yes, sir. तो ये पार्ट छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा ना, छोटा। yes, sir. क्लियर है? yes, sir. अब ये पार्ट अगर छोटा होगा तो ये देख, अब मान ले कि बॉक्स यहाँ पहुंच गया, सपोज कर कि बॉक्स यहाँ पहुंच गया, यहाँ। अब बता बॉक्स यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पहुंच गया, अब बता क्या होगा? ये वाली रस्सी और टाइट हो जाएगी ना, एंगल चेंज होगा। ये एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? yes, sir. अब एंगल चेंज हो गया तो टाइम बढ़ने से एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना यार। अरे नहीं आया sir, अरे ये एंगल चेंज हुआ कि नहीं यार? yes, sir, हुआ। तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पूछ रहा था आपसे कि क्या वेलोसिटी है उसकी, ठीक है? yes, sir. आगे चले, बन जाएगा। तो क्या yes. आपको एज्यूम करना है, सीधा सा दूसरा प्रॉब्लम देख लो, आराम से बन जाएगा। देखो जैसे सपोज करो, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम लोग। ये है मान ले, ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता हूँ अच्छा सा एक। ये देखो मान लो एक रॉड है, उसको हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? ठीक, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है। इस रॉड में हमने एक छल्ला पहना दिया है। क्या पहना दिया है? छल्ला समझते हो? yes. रिंग। ये बच्चा मान ले कुली है, ठीक है? yes, इस छल्ले को, इस पुली से हमने इस छल्ले पे जो है ना वो लगा दिया रस्सी, और रस्सी बांध के इसको इस पुली से लटका दिया यहाँ पे, क्या एक बॉक्स। क्या लटका दिया? बॉक्स। इस बॉक्स का, इस बॉक्स मान लो बॉक्स है, और इस बॉक्स की वेलोसिटी नीचे की तरफ मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी बॉक्स की, बॉक्स 15 मीटर पर सेकंड। और ये जो छल्ला है ना, छल्ला, छल्ले से जो रस्सी कनेक्टेड है, ये 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 37 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ छल्ला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ छल्ला, अच्छा छल्ला बताओ कि छल्ले का मोशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा ये बताओ। क्या छल्ला सिर्फ इधर ही डायरेक्शन में भागेगा? यस सर। यस सर। क्या छल्ला सिर्फ इधर ही डायरेक्शन में भागेगा? यस जी। क्लियर है? तो मुझे छल्ले की वेलोसिटी क्या होगी वो बता दो। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ छल्ला। ये छल्ला है, छल्ला, रिंग, वेलोसिटी ऑफ रिंग बताओ कितना? 75/4 मीटर पर सेकंड। बताओ सब लोग, बताओ,
बोलो सब लोग, वेलोसिटी ऑफ छल्ला सी। अरे सही है गलत है, किसको अज्यूम किया? छल्ले की वेलोसिटी। छल्ले की वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर ली? वी। किस डायरेक्शन में ये छल्ला किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये छल्ला मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या छल्ले की वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में अज्यूम कर ली? यस सर। कि नहीं कर ली सर। ओके आप देखो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 15। यहाँ पे 15। 15 हर जगह 15 ही होगा ना? यस सर। क्या स्ट्रिंग की वेलोसिटी चेंज होने वाली है? नो सर। स्ट्रिंग की वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। नहीं है। छल्ले की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? वी। क्या है? वी। क्या वी छल्ले की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं नहीं। छल्ले की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो भैया इस वी को क्या करो, दो कंपोनेंट में तोड़ दो, रस्सी के लॉन्ग और रस्सी के परपेंडिकुलर। रस्सी के लॉन्ग बताओ इसकी वेलोसिटी, रस्सी के लॉन्ग ये हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा v cos 37, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। अरे नहीं आया? आया सर। आया सर। और इसके परपेंडिकुलर ये वाला sin 37, sin 37। यही तो मैंने सिखाया आपको बच्चे। Yes, कि रस्सी के एलॉन्ग वेलोसिटी को तोड़ दो और रस्सी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को तोड़ दो। रस्सी के एलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होगी। 75/3 आएगा सर। क्लियर है? बोलो यार। सर जी सर, आंसर सर चेंज हो गया 75/3। देखते हैं अभी बहुत कुछ चेंज होगा। सर नहीं सर। ठीक है आप बताओ मेरे बच्चे, क्या v cos 37 क्या 15 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ? सर 25 होगा। यस सर। cos 37 इज इक्वल टू 15 होगा कि नहीं बोलो? यस सर। क्या छल्ला अलोंग रस्सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रस्सी? ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग अलोंग रस्सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रस्सी, लिख लो इस बात को, भूल जाओगे। तो वेलोसिटी ऑफ रस्सी अलोंग एनीथिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग अलोंग रस्सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रस्सी। तो वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग अलोंग रस्सी कितना है? v cos 37 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रस्सी। तो बताओ v किसके बराबर हो जाएगा? 15/cos 37 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. 25. Cos 15/cos 37 कितना हो गया? 15/cos 37 क्या 4/5 होता है? Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला ही है। 5/4 मीटर पर सेकेंड का मतलब है ना? तुम अभी कंफ्यूजन में, इधर देखो ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल बनाओ, सब लोग बनाएंगे ये ट्रायंगल। ये एंगल कितना? 37। कितना? 37। और ये एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना? 90। ये वाला कितना होगा? 53 होगा कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा ये वाला 53 हो गया। ये है, ये जानते हो कितना होता है? ये 3। कितना? 3। और ये कितना है? 4। और ये कितना है? 5। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब बता साइन 53 कितना, साइन 37 कितना होगा? साइन 37 लग एल के 3/5। यस सर, 3/5। कॉस 37 4/5। टेन 37 3/4। टेन 53 4/5। फोर बाई थ्री होगा कि नहीं होगा बता?
cos 53 3 अपॉन 5 ये अपॉन एंगल से लगा हुआ एक तो बेस होता है एक हाइपोटेनस होता है और yes, उसके sir. सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यही तो है यार राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो है और क्या है एंगल से लगा हुआ एक तरफ बेस और दूसरी तरफ हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमेशा बेस से क्या होगा बड़ा होगा yes, तो कौन सी लेंथ पड़ी है 5 की 3 तो 5 तो हाइपोटेनस हो गया yes, और ये क्या हो गया कर्ण भैया और ये क्या हो गया बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर yes, तो cos 53 अगर कोई पूछता है बेस अपॉन हाइपोटेनस sin 53 कोई पूछता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस tan 53 कोई पूछता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस cot 53 कोई पूछता है बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अरे यार यस सर बना लो भैया नहीं तो ऐसे ही ना 70/4 भी उसमें एक आंसर होगा मार के चले जाओगे सॉरी 70/3 75/3 भी आंसर होगा उसमें मार के चले जाओगे ठीक है ना और मुस्कुराते हुए बाहर निकलोगे और उसके बाद धीरे से मुंह छुपा के निकल लोगे तो 75/4 मीटर पर सेकेंड अरे सही है समझ में आया कुछ पक्का yes, sir. अगला कर लोगे yes, sir. चलो अगला कर अब नहीं कर रहा हूँ चलो अगला कर और जानता हूँ जनरली मैं बता रहा हूँ आपको जो है ना एंगल हमेशा 37 या 53 ही देते हैं क्यों क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू देता है जो कि आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है या कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जो कि कटने वाली हो क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं चाहते आपसे वो ये नहीं चाहते कि आप कैलकुलेशन किए हो कि नहीं किए हो वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहते वो क्या चाहते हैं कि ये कितना आपने यूज किया मेरी बात समझ में आई yes, sir. कोई डाटा ऐसा दे दें जैसे मान लो हमने दे दिया सपोज करो कि हमने दे दिया कि एक पार्टिकल है इसकी ना ये इतने एंगल पे वी वेलोसिटी से वी इज इक्वल टू 5√2 और 45 डिग्री पे घूम रहा है या जा रहा है कुछ कर रहा है ऐसे तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा आप तुरंत कह दोगे 5√2 cos 45 कहोगे कि नहीं कहोगे बोलो यस सर cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है यस सर तो √2 को क्या करेगा खा जाएगा मतलब एक्स में 5 होगा कि नहीं होगा बताओ तो मामला गड़बड़ा जाता कि नहीं गड़बड़ा जाता बोलो या सॉरी 37 की जगह अगर 30 दे देते मान लो सपोज करो 30 दे दिया यहाँ पे अब बताओ इधर तो हो जाएगा cos 37 √3/2 इधर sin 37 सॉरी sin 30 इधर cos 30 हो जाता उधर sin 30 हो जाता तो कहने का मतलब ये है कि वो डाटा ऐसा ही देते हैं जिससे कि आप उससे आसानी से कैंसिल आउट कर सको ये वाला ट्रायंगल याद कर लेना है ये ना ये आप कोई cos 37 sin 37 में गड़बड़ाओगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा ठीक है अब आ जाओ इधर दूसरा क्वेश्चन लो मान लो कि हमने ऐसे कर दिया इसे चलो सेम क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं खुश हो जाओ करके यहाँ पुलिस अब बताओ पुली की वेलोसिटी सॉरी ये रिंग है रिंग की वेलोसिटी बताओ देखो वेलोसिटी ऑफ रिंग डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ रिंग जल्दी बताओ ये ऐसे पता होगा कितना होगा वेलोसिटी ऑफ रिंग बोलो जल्दी जल्दी फटाफट वेलोसिटी ऑफ रिंग कितना होगा तो 50/4 ठीक है देखो अरे आया सबसे नहीं आया अरे आसान है यार बहुत आसान है इसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम देंगे जो कि आपको लगेगा कि यार ये भी पूछ सकता था क्या
यस देखो इधर इधर देखो आईआईटी में इधर देखो इसके इसका एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन हम मान लें क्या yes. मान लिया हमने किधर होगा इसका कांस्टेंट मोशन इसका मोशन छल्ले का किधर होगा इंपॉर्टेंट इज कि छल्ले का मोशन किधर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर छल्ले का मोशन डिसाइड नहीं करोगे फिर तो भाई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ अच्छा कि उसका मोशन क्या है फिक्स है कि उसी डायरेक्शन में होना है इसका फिक्स है कि यहीं तक जाना है अरे यार यहीं तक यही तो फिक्स है यार yes, sir. Yes, sir. चलो इसकी वेलोसिटी क्या मान लिया आपने किस डायरेक्शन में इधर कितनी v. किसकी मानोगे जिसकी नहीं पता है yes, sir. दिमाग में बिठा लो लिख लो कॉपी पे अपने किसकी मानेंगे जिसकी पता नहीं जिसकी पता नहीं है नहीं है उसकी मानेंगे तो हमने इसकी क्या डायरेक्शन मान लिया v किधर ऊपर की ओर जाएगा yes, sir. अब इस चूंकि रस्सी की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होनी है 10 मीटर पर सेकेंड होनी है तो v के दो कंपोनेंट v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा v cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin 37 लिख लो इस बात को कि हमें उसी को तोड़ना है जिसको हमने माना है along the रस्सी perpendicular to the रस्सी ये हमने रस्सी के along तोड़ दिया ये perpendicular रस्सी तोड़ दिया yes sir तो v cos 37 किसके बराबर भैया 10 के बराबर तो v किसके बराबर बोलो 10 upon cos 37 10 upon cos 37 is 4 by 5 50 by 4 अरे समझ आया ये बताओ पक्का yes, कोई दिक्कत है नो no, सर एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये अब देख एक लाइन का क्वेश्चन कैसे पूछा था आईआईटी में देख देख कैसे पूछा था बच्चे कहोगे अरे यार देखो ये है एक पुली यहां से लटका दिया एक पुली यहां से लटका दिया ठीक yes. अब इन दोनों पुली से एक रस्सी इधर से और एक रस्सी इधर से ये ठीक है yes, यहां इससे बांध दिया एक बक्सा बॉक्स जिसका मास कितना था M. और इधर की तरफ छोटे छोटे बॉक्स लगा दिए उसने ऐसे इधर एक बॉक्स मान लो P है और इधर भी दूसरा बॉक्स मान लो Q है ठीक है yes, sir. इस बॉक्स की वेलोसिटी नीचे की तरफ दिया था कितना V और इस बॉक्स की भी वेलोसिटी नीचे की तरफ दिया था कितना V दोनों बॉक्स की वेलोसिटी दिया था कितना V कितना V ओके अब देखो सॉरी अब देखो ये एंगल दिया था कितना थीटा कितना दिया था थीटा तो आपसे ये वाला एंगल थीटा और ये वाला भी कितना थीटा आपसे पूछा था कि ये जो मास m है ना अच्छा ये बताओ मास m किधर जाएगा पहले तो मास m बताओ किधर जाएगा ऊपर 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 की ओर अरे जाएगा ना भैया इन दोनों का ऐसे खींचोगे तो ये किधर जाएगा ऊपर अरे जाएगा ना yes, मास m ऊपर की तरफ जा रहा है किसकी तरफ जा रहा है ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है मास m तो मास m की वेलोसिटी पूछ रहा है वो आपसे आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है और एच सी वर्मा के काइनेमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव वन का 13वां क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है आईआईटी इस मास m का क्या वेलोसिटी होगा ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको
ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए टू वी कॉस थीटा, ऑप्शन बी वी कॉस थीटा, ऑप्शन सी डी वाई कॉस थीटा, ऑप्शन डी बी बाई टू कॉस थीटा। बोलो जल्दी। डी सर, बी बाई कॉस टू साइन टू कॉस थीटा। बी बाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर। बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो कौन सा ऑप्शन। बना लो सब लोग, बनाओ भाई, कौन सा ऑप्शन है। लो सब लोग साथ बैठ गए यार। सर एक बार रिपीट कर दो, नेट थोड़ा रुक गया। हैं क्या बच्चे? तो क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि जो पी है और वो क्यू है, ऐसा ये सिस्टम है, पी और क्यू वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। यस सर। एम मास ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा पहले ये बताओ। सर जाएगा। तो किस वेलोसिटी से जाएगा वही पूछ रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास एम? 2 2b cos थीटा। सर 2b cos थीटा। सर ए ऑप्शन 2b cos थीटा। सर 2b cos थीटा पक्का ना? यस सर। 99% यही मार्क है। देखो इधर, मैंने यही समझाया आपको। किसकी वेलोसिटी नहीं पता? M mass की वेलोसिटी हमको नहीं पता। नहीं पता तो M mass की वेलोसिटी अगर हमको नहीं पता तो उसको हमको मानना है। यस सर। लेट करना। और जिसको हमें मानना है उसी को तोड़ना है। यस सर। भैया इसकी वेलोसिटी हमने मान ली से u, क्या मान ली? u किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। अपवर्ड। क्लियर है? अब u को हमने तोड़ना शुरू किया, u ऊपर की तरफ ऐसे होगी एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऐसे ही होगी कि नहीं होगी बताओ? इधर ही तो होगी u। यस सर। यस सर। इधर होगी ना? तो u के दो कंपोनेंट, एक रस्सी के अलोंग, एक रस्सी के परपेंडिकुलर। यस सर। तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली, होगी कि नहीं बता? क्या ये u cos थीटा होगी? Yes, sir. और रस्सी के परपेंडिकुलर क्या ये वेलोसिटी हो जाएगी? ये वाली u sin थीटा। सॉरी गलत कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ ओके। इधर देखो, ये तो हो गया u। अब u का ये वाला कंपोनेंट इधर हो गया u cos थीटा। इधर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? u sin थीटा हो गया कि नहीं बता? Yes, sir. अब u को एक बार और तोड़ोगे क्या? अरे यार जिस वेलोसिटी से ये इधर की तरफ जाएगा उसी से तो ये इधर की तरफ जाएगा, चाहे इधर तोड़ लो चाहे इधर तोड़ लो, बात तो बराबर ही है। यस यस यार। तो ये बताओ ये यू कॉस थीटा किसके अलोंग है, रस्सी के अलोंग है कि नहीं है? यस। तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी जिसको हमने माना है क्या रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होगा? यस सर। कितना होगा रस्सी की वेलोसिटी? v। यस सर। तो u किसके बराबर आया? u cos थीटा। c अपॉन cos थीटा। u cos थीटा। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन c। और टू भी cos थीटा तो सबका आया।
आया कि नहीं आया? यस सर। आपने वी को तोड़ दिया, वी का ये वाला कंपोनेंट इधर वी कॉस थीटा, इस वाले वी का ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा, तो हो गया टू वी कॉस थीटा, टू वी कॉस थीटा से ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा टू वी कॉस थीटा से? नो सर, नहीं जाएगा। यही मैंने समझाया आपको। अब आप पीछे खोलो और देखो कि मैंने क्या लिखवाया। हम किसको तोड़ेंगे? जिसको माना है। किसके अलोंग? रस्सी के अलोंग और रस्सी के परपेंडिकुलर। यस यार, किसके अलोंग? रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग और रस्सी के पर। अरे यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। Yes, तो हमने यू को तोड़ा रस्सी के लॉन्ग और रस्सी के परपेंडिकुलर। अब फिर से यू को तोड़ोगे क्या? एक ही बार तो तोड़ोगे? Yes, yes. तो हमने तोड़ दिया रस्सी के लॉन्ग। ये वाली रस्सी किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है? वी वेलोसिटी। और इसका इस मास का इधर वाला कंपोनेंट क्या है? यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वी वी। तो यू किसके बराबर आएगा? अपॉन अपॉन कॉस थीटा। को कोई सोचा नहीं? जिसको कोई सोचा नहीं, सोचा नहीं। एच सी वर्मा उठा के देख लेना, यही डिट्टो क्वेश्चन पूछा आईटी में। कितने लाइन का क्वेश्चन? एक लाइन का। मैंने लिखवाया भी है, लिख लो इस बात को फिर से। किसको तोड़ना है? पहले हमको क्या करना है? पहले हमको मानना है जिसका हमें पता नहीं पता है। जिसका हमें नहीं पता है उसको मान लेना है कि वही तो कॉन्स्टेंट है उसका, वही तो डायरेक्शन मोशन होगा उसका, वही तो उसका कॉन्स्टेंट है भाई। yes, वही तो उसकी लिमिट है ना। हमने yes, हमें नहीं पता कि हमने नहीं पता कि आपको कितने बजे घर से बाहर निकलना है। तो हमने मान लिया कि आप जो है इस टाइम घर से बाहर निकल रहे हो। घर जाके पूछ लिया घर में आपसे, तो वहां हमको पता चल गया कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। हमने बता दिया आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो पूछना मतलब यहाँ सॉल्व करना। तो जिसको हमने जिसका हमें निकालना है उसको हमको एज्यूम करना है। कर लो एज्यूम। क्या एज्यूम किया? यू किधर की तरफ ये भागेगा? ऐसे तो नहीं भागेगा ना, ऐसे तो नहीं भागेगा ना। हाँ, ये डिफरेंट हो जाता। अगर ये वी डैश हो जाता, ये वी होता, तो ये लटक जाता ऐसे करके। इधर ज्यादा तेजी से भाग जाता, इधर कम, तो टूट जाता ये। अरे यार, अरे होता कि नहीं होता? यस सर। इधर भी वी, इधर भी वी, दोनों तरफ। ये किधर जाएगा? ऊपर। किस वेलोसिटी से? यू से मान लिया हमने। तो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। किधर किधर की तरफ तोड़ेंगे? एक कंपोनेंट तो रस्सी के लॉन्ग रहेगा ही रहेगा, और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। तो जो रस्सी के लॉन्ग रहेगा वही किसके बराबर? रस्सी की वेलोसिटी के बराबर। रस्सी की वेलोसिटी कितनी? यहाँ वी है तो यहाँ भी वी होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। यहाँ वी होगी कि नहीं? यहाँ वी होगी कि नहीं? यहाँ वी होगी, हर जगह वी होगी। अरे आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगला कर दोगे पक्का? Yes, sir. चलो अगला कर दो, ये ठीक है? हो गया सर। Yes, अगला sir, अगला देखो पक्का करो, देखता हूँ मैं। चलो Yes, sir. अगला अब घबराना नहीं चाहिए। किसको एज्यूम करना है? जो पता नहीं है। जो पता नहीं है, जो पता नहीं है भैया, जो पता नहीं है उसी को तो एज्यूम करोगे। Yes, sir. ये रस्सी लगा दी हमने। चलो आज रस्सी रस्सी खेलेंगे हम लोग। एक मास है ए, ब्लॉक ए है। दूसरा ब्लॉक है बी। ये ब्लॉक जो बी है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रस्सी जो है इस पे 37 डिग्री पे है। जो ब्लॉक ए है
वो इससे रस्सी से कनेक्टेड है और वो इधर 53 डिग्री पे है, ठीक है। आपको बताना है ए की वेलोसिटी क्या होगी। ए की वेलोसिटी क्या होगी, बोलो जल्दी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉक्स ए? सर 125/3। हाँ 125/3 सबका यही आया भाई? यस सर। कोई अलग भी है? नो सर। सब यही है? यस। चलो देखते हैं। किसका हमको नहीं पता सर? 100/3 है। एक 100/3 आ रहा है मेरा। चलो एक का 100/3 आया भाई। चलो एक का 100/3 आया, देखते हैं। एक का हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक का कितना है, कितना माना? वी। किधर डायरेक्शन में? किधर डायरेक्शन में? यही तो होगा इसका। यस सर। इधर डायरेक्शन में कितना? वी। तो रस्सी के अलोंग डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? V cos 53। V cos 53। तो यहां से यहां तक रस्सी, यहां पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा रस्सी के? V cos 53। यस सर। यस सर। कितना होगा? V cos 53। कहने का मतलब है कि इस रस्सी की जो वेलोसिटी है वो v cos 53 है कि नहीं है? यस सर। ठीक। यस सर। बेटे अब ये v cos 53 हो गया रस्सी का। अब देख इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी 25/s। ये वाला एंगल देख कितना हो जाएगा, ये वाला, ये देख, ये एंगल कितना होगा, ये वाला 37। V cos 53 किसके बराबर होना चाहिए? जो इसकी वेलोसिटी है उसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 25/s। इसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग कितनी हो जाएगी? देखो ये हो गया 25। इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो, 25 इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 25 cos 37। Yes. अरे होगा कि नहीं होगा यार? यस सर। अरे गलत कर रहा हूँ क्या मैं? नो सर। पक्का ना? यस। तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 25 cos 37। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 25 sin 37। यस सर। यही तो होगा? यस सर। इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। cos 53 क्या 25 cos 37 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, बताओ? Yes, sir. तो बताओ v किसके बराबर होगा? 25 cos 37 क्या 4/5 होता है? हाँ। इनटू cos 53 का 3/5 हो जाएगा, 5/5 को खा गया, ये हो जाएगा 100/3। नहीं आया? आया सर। पक्का? मेरे को आ गया सर। मेरे को आ गया। गुड। कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई? उल्टा चले, उल्टा चलते हैं। चलो देखो उल्टा चलते हैं, आ जाओ। ये कर लिया आपने? यस सर। देखो उल्टा चलते हैं, आ जाओ उल्टा दिखाते हैं हम तुम्हें। देखो
चलो इरेज करो, उल्टा चल के दिखाते हैं। इधर देखो, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया ये कि हमेशा जो मानते हैं उसी को रस्सी की डायरेक्शन में तोड़ते हैं, यही तो। यस सर। यस सर। हमने क्या माना कि इसकी वेलोसिटी v है और उसको रस्सी के लॉग रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिया, ठीक है। यस सर। ठीक, अब ये बताओ रस्सी की वेलोसिटी यहां से लेके, सॉरी, रस्सी की वेलोसिटी यहां से लेके इस पॉइंट तक कितनी है? यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से ऐसे लेके कितनी है वेलोसिटी उसकी? है ना? यस सर। अच्छा, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? 25 मीटर पर सेकंड। 25 के दो कंपोनेंट। यस सर। एक 25 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 37 डिग्री पे और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा 25 का, तो 25 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 25 cos 37 होगा कि नहीं बताओ? यस सर। और इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 25 sin 37, क्योंकि इसका तो फिक्स है, इसका तो हमें पता हो गया ना भैया, इसका तो भी हमने माना था, इसका हमें पता ही है, तो हमने इसका कंपोनेंट कर लिया, इधर वाला कंपोनेंट 25 cos 37, इधर वाला 25 sin 37। तो रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो रस्सी की वेलोसिटी के बराबर होगी कि नहीं बताओ? और रस्सी की वेलोसिटी कितनी है? v cos 53। यस सर। और इस बॉक्स की रस्सी की वेलोसिटी के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? 25 cos 37। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। आंसर समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। और एक आग दे दे। यस सर। एक और चल समझ, ये हो गया आपका दूसरा बॉक्स ऐसे, ठीक है। इस वेलोसिटी मान लो 25 मीटर पर सेकंड, मान लो 37 मीटर, ठीक है। इस बॉक्स B की क्या वेलोसिटी होगी? B की वेलोसिटी, B की क्या वेलोसिटी होगी? बॉक्स B की क्या वेलोसिटी होगी? What is the velocity of box B? B की velocity कितनी आई? निकल गया? और लोगों का? बोलो भाई। क्या एज्यूम किया? इसकी वेलोसिटी भी एज्यूम कर ली, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक। अरे यही तो होगा। यस यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, वी 25 cos 37। इस पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी कि नहीं होगी बताओ? अच्छा, yes, रस्सी की वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या v होगी कि नहीं होगी ये बताओ? यस सर। अरे v तो होगी। यस सर। रस्सी की वेलोसिटी कितनी? v।
रस्सी की वेलोसिटी वी को इधर करना है आपको, कितना रखना है रस्सी की वेलोसिटी वी, कितना रखना है, रखना है ना वी? यस। और इसका ऑलरेडी कितना है? 25। तो इसका एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा? 25 cos 37। अरे यही तो होगा। तो ये देख इसका एक कंपोनेंट मतलब 25 का एक कंपोनेंट। अब 25 को देखो, इधर दिखा रहा हूं मैं, इधर देखो, ये हो गया 25। ये कितना एंगल, 37 सॉरी, ये कितना एंगल हो जाएगा, 53। एक सेकंड रुक जाओ, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये हो गया, ये 25 हो गया, और ये रस्सी के लॉन्ग और ये रस्सी के परपेंडिकुलर, यही तो होगा ठीक। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये वाला एंगल 53 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. तो इसके जस्ट अपोजिट क्या ये 53 हो जाएगा? Yes, yes. तो 25 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो होगा, इधर की तरफ 25 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो होगा वो होगा 25 cos 53, और इधर की तरफ 25 sin 53 होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो 25 cos 53 किसके बराबर, ये रस्सी के लॉन्ग ही तो है। रस्सी की वेलोसिटी एक्चुअल कितनी है वी, क्या वो वही रहेगी या चेंज करेगी? वही रहेगी। यस वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 cos 53 के बराबर 125 / 3 मीटर। 25 cos 53 मतलब कितना हो गया, 3 / 5 5 25 5 किया 15 15 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन सही है, किसी का नहीं। बोलो यार कहां कमी है, अरे इससे पहले अभी सिखाया मैंने कि यार रस्सी की वेलोसिटी आपने वी रखनी है, इस डायरेक्शन में रखनी है कि नहीं बोलो? Yes, sir. और yes, sir. हमें पता है सर वो एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो 37 नहीं होगा। कौन सा बच्चे? वो नीचे वाला जो आपने 53 लिखा है, ये वाला। यस सर। यार ये वर्टिकल से 37 है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, ये 53, और ये भी तो हॉरिजॉन्टल में ही है। यस सर, यस सर। ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होगा ना? यस सर। अगर ये 53 है तो ये वाला भी 53 होगा ना? यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर। निकाल लेना इसे और इसे आज रिवाइज कर लेना जाके, अगला टॉपिक इसी से आगे। यस सर। ठीक है, चलो बंद करते हैं।